डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर निर्मल पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर आज पुनः लेके प्रस्तुत हूं भारतीय शिक्षा की संरचना। डियर स्टूडेंट, यदि आप वैदिक कालीन शिक्षा मतलब पीछे वाली शिक्षा जो पहले प्रचलित थी उस पर जाएंगे, वैदिक कालीन शिक्षा में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर प्रवेश की आयु, शिक्षा की आयु, शिक्षा का माध्यम, शिक्षण विधियां लगभग क्या थी, पहले से निश्चित। वही कंडीशन बौद्धकालीन शिक्षा में भी व्याप्त थी। फिर उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा में भी सारी चीजें निश्चित थी जो पूरे देश पर लागू होती थी एक साथ। लेकिन जब ब्रिटिश कालीन शिक्षा आती है तो वहां पर देखा गया तमाम संस्कृतियों, तमाम धर्मों के समावेश होने के नाते भारत में बहुत सारी विसंगतियां शिक्षा में दिखाई देने लगी, विशेष करके शैक्षिक संरचना पर। तत्पश्चात जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है, तब उसके बाद से जितने भी आयोग, समितियां और शिक्षा नीतियां भारत सरकार द्वारा गठित की गई, उन सब ने इस पर बल दिया कि पूरे देश में एक शैक्षिक संरचना निर्धारित की जाए जो पूरे देश पर लागू हो, हर जगह फॉलो किया जाए। लेकिन पहले से व्याप्त शिक्षा संरचनाएं रही, जैसे ये लिखा गया है, शिक्षा संरचनाएं जो लिखी गई है ब्लैक बोर्ड पर, जो पहले से व्याप्त थी उनको कैसे हटाया जाए। उनको तभी हटाया जा सकता है जब एक सॉलिड शैक्षिक संरचना का निर्माण किया जाए जिसे पूरा देश स्वीकार करे, सहज स्वीकार कर ले, तभी तो अन्य शैक्षिक संरचनाओं को हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता है। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1964-66 में एक आयोग आया जिसका नाम था कोठारी आयोग, और कोठारी आयोग ने इस तरह जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संरचनाएं प्रचलित थी उसकी कटु आलोचना की, और उसने इस पर जोरदार बोल दिया कि पूरे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना लागू की जाए। परंतु सुझाव देना तो थोड़ा आसान था, लेकिन इसे बनाना और लागू करना कठिन था अपेक्षाकृत। तो मित्रों, हम इस पर चर्चा करते हैं जो पहले से व्याप्त थी। तो जैसे कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अलग अलग से जो भी शैक्षिक संरचना है समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जो भी व्याप्त रही, तो उसमें सबसे पहले नंबर पाता है 8+3+3। अब हम सभी के लिए एक संकेत बना लेते हैं समझने के लिए, आपको और अपने को, और इसमें देखिए पी जो है वो प्रचारित करेगा प्राथमिक लेवल को, और आई जो प्रचारित करेगा इंटरमीडिएट लेवल को, और जी जो प्रचारित करेगा वो क्या है ग्रेजुएट लेवल को, पीआईजी भी आप कह सकते हैं। पीआईजी संकेत के माध्यम से हम इन समस्त शैक्षिक संरचनाओं की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका 8 है, 8 लिखा हुआ है, तो ये 8 यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारत की जो प्राथमिक शिक्षा हो वो कितने की हो, 8 साल में पूरी हो जाए, जिसमें 5 साल निम्न प्राथमिक शिक्षा अर्थात 1-5 तक, और 3 साल उच्च प्राथमिक शिक्षा 6-8 तक। फिर उसके बाद आता है +3 लिखा हुआ है, तो +3 का अभिप्राय हुआ कि 3 साल की माध्यमिक शिक्षा हो, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षा निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा शामिल है, अर्थात कक्षा 10, 9, 10, 11 और 12, जिसमें कि एक कक्षा इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद फिर जो है ग्रेजुएट लेवल को बताया गया कि 3 साल का किया जाए, अर्थात BA MA BSc का जो कोर्स हो इस तरह का ग्रेजुएट लेवल का, उसकी अवधि कितनी हो, 3 साल की हो। तो ये किसी भी, उसके बाद फिर दूसरी शैक्षिक संरचना आ जाती है, दूसरे क्षेत्र में दूसरी शैक्षिक संरचना चल रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि 8+4+3 अर्थात 8 साल की ये प्राथमिक शिक्षा, जिसमें 5 साल की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा, और उसके बाद 4 साल
चार साल में माध्यमिक शिक्षा, जिसमें 2 साल की निम्न माध्यमिक शिक्षा और 2 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक से कक्षा 9 निम्न माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 9-10 निम्न माध्यमिक शिक्षा और कक्षा 11-12 उच्च माध्यमिक शिक्षा, और प्लस 3 साल का क्या हो, ग्रेजुएट वाला कोर्स हो। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में यह भी शिक्षा शैक्षिक संरचना व्याप्त रहे 5+7+3। तो इसका प्रयोग क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा ताकि ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क पर हमेशा बनी रहें कि कितनी शैक्षिक संरचनाएं भारत में व्याप्त थी। उसके बाद फिर आया आपका 5+7+3। तो 5+7+3 का मतलब, 5 का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक शिक्षा जो हो कितने हो, 5 साल की हो, और 7 साल में क्या इंक्लूड है, अब उच्च प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक लेवल की शिक्षा, 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा और 4 साल की माध्यमिक शिक्षा, जो अभी हमने ऊपर बताया था कि निम्न माध्यमिक, 2 साल की निम्न माध्यमिक और 2 साल की उच्च माध्यमिक और 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा, और प्लस 3 साल का ग्रेजुएट। उसके बाद फिर आता है तीसरी शैक्षिक संरचना। तो हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि 1968 में भारत देश की प्रथम शैक्षिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। उस समय समझौता कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब 1977 में कांग्रेस सरकार हटती है और जनता दल सरकार आती है, तो उसने 68 की जो शैक्षिक नीति थी उसका क्या करती है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 1979 में नई शिक्षा नीति का निर्माण किया। परंतु जल्द ही जनता सरकार गिर जाने के कारण 1979 की आई हुई शिक्षा नीति के एक भी सुझाव देश में लागू नहीं हो सके, और उसने ये शैक्षिक संरचना में जो सुझाव दिया था वो था 8+4+2 का। तो इसमें जो है 8+4+2, तो 8 साल की, 8 साल की जो है, तो 8 साल की ये आपका फिर वो हो गया ये निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, और 4 साल का ये हो गया माध्यमिक लेवल, और 2 साल का क्या हो गया, ग्रेजुएट लेवल। उन्होंने कहा कि 2 साल में आप सामान्य ग्रेजुएट लेवल की डिग्री दे सकते हैं, और 3 साल में जो है ये 3 साल में आप ऑनर्स ग्रेजुएट डिग्री दे सकते हैं, सम्मान ग्रेजुएट डिग्री दे सकते हैं। तो इन साल जो ये तमाम शैक्षिक संरचनाएं यहां तक रही हैं, ये शैक्षिक संरचनाएं अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोग चला रहे थे और लागू थे, जिसका 1964-66 में क्या किया गया, कोठारी आयोग द्वारा कट आलोचना की गई और इसका विरोध किया गया। कोठारी आयोग यह चाहता था कि पूरे देश में एक ही शैक्षिक संरचना को लागू किया जाए, अतः उसने अपने सुझाव पर इस पर बल दिया। तो जब 1964-66 में, और ये भी कहा कि राष्ट्र की शिक्षा को उन्नत करने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का गठन किया जाए, तो उस समय कांग्रेस सरकार थी और उसने 1968 में प्रथम देश की प्रथम शैक्षिक नीति को गठित किया, बनाया और जो लागू हुई, और जो लागू हुई तो 1968 की शिक्षा नीति जो है किस शैक्षिक संरचना पर बल दिया, 10+2+3, जो आज भी हम लोगों के बीच में क्या है, व्याप्त है, जो जिस पर काम चल रहा है, और पूरा देश शायद इसी शैक्षिक संरचना पर अपना पाठ्यक्रम, सारे बोर्ड इसी पर चला रहे हैं। लेकिन 1968 के बाद जब जनता सरकार आती है, कांग्रेस सरकार हटती है, जनता दल सरकार 1968 की शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 1979 में एक नई शिक्षा नीति ला दी, जो भारत देश की सेकंड शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और लेकिन जनता दल सरकार गिर जाने के कारण इसके एक भी सुझाव देश में लागू नहीं हो सके। तो उसके बाद फिर जनता दल सरकार के गिरने के सुझाव आए और देश में लागू किए गए, जो कि आज भी जो है क्या है, विद्यमान है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी कहा 10+2+3 शिक्षा संरचना जो है देश में लागू की जाए, और लागू करने के पश्चात पूरे देश पर यह लागू की जाए, और उसके बाद इसी का उसने समर्थन भी किया। तो अगर आप देखें जो लास्ट में सारे देश पर लागू करने की बात जिस शिक्षा नीति की आई है वो है 10+2+3। तो 10+2+3 जो है ये कहता है कि 10 साल की क्या हो,
प्राथमिक शिक्षा हो। 10 साल की प्राथमिक शिक्षा का मतलब 5 साल कक्षा 1 से 5 और 3 साल 6 से 8 और उसके बाद 2 साल क्या है निम्न माध्यमिक शिक्षा, अच्छा कक्षा 9 और 10 और 2 साल का क्या हो उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 और 12 प्लस 3 साल का क्या हो ग्रेजुएट लेवल हो यानी 3 साल की स्नातक शिक्षा हो। दैट दिस चैप्टर इस साल। थैंक यू।